तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं 3-4 गलती लिख कर लाया हूं, और ये 3-4 जो गलती आज मैं आपको बताने वाला हूं ये क्या होता है कि 99% ट्रेडर करते ही हैं, और एक ऐसा गलती है ना भाई, वो गलती अगर आप सुधार लिए तो ये गलती सुधार के मैं भी क्या किया था, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना था, और आप लोग भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो वो गलती जो है ना, वो गलती सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 गलती में से वो गलती सबसे इंपॉर्टेंट गलती है, और उसको अगर सुधार लिए ना तो आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों होता क्या है कि आप लोग चाहते हो, बहुत सारे लोग से मैंने बात किया है और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाई मेरा 20,000 कैपिटल है, दिन का थोड़ा बहुत भी निकल जाता है ना, और रेगुलर निकलता है थोड़ा बहुत, तो मैं, मेरे लिए बहुत है। कुछ लोग कुछ और बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और बोलते हैं, तो भाई ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, मेरे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। मैं खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो और इस रूल को फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई रोक सकता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए, बिना क्योंकि पेशेंस आजकल लोगों का पेशेंस कम हो गया, तो इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं कॉल प्रोवाइड करता हूँ और लोग अच्छा खासा वहाँ पर प्रॉफिट करते हैं। ओके, तो दोस्तों जो आज का मेरा पहला पॉइंट होने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आप लोग क्या करना ना, कमेंट करके बताना कि इसमें से कौन सा गलती आप करते हो जिसके वजह से आप सक्सेसफुल ट्रेडर अभी तक नहीं बन पाए हो। ओके, तो पहला गलती है ट्रेड विदाउट एसेट, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने कैसा होता है मैं आपको बता दूं। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हो, आपको पता ही नहीं है कि स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टारगेट कहाँ रखना है, तो वो हो जाता है कि आप घर से गाड़ी लेके तो निकले, उसमें ब्रेक नहीं है, जो आपका ब्रेक हो गया ना वो आपका स्टॉप लॉस हो गया। ओके, सामने से कोई बंदा आ रहा है, आप ठोक दिए बिना ब्रेक, आप ब्रेक लगा ही नहीं, ब्रेक आपका काम ही नहीं कर रहा है, तो ब्रेक जो हो गया ना वो आपका स्टॉप लॉस हो गया। ये कह सकते हैं कि आपको ब्रेक लगा के कहाँ रुकना है, वो आप गाड़ी का रफ्तार है जा रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है और वो डायरेक्शन आपके लिए नहीं है, तो ब्रेक मार के ही आप क्या करोगे, टर्न लोगे। लेकिन लोग क्या करता है कि मैंने आज भी देखा है और बहुत दिन मैं देख चुका हूँ कि लोग बिना स्टॉप लॉस के क्या कर रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं, और जिसके वजह से वो गलती कर देते हैं। दोस्तों आप कितना भी प्रो ट्रेडर से बात करें या जीरोधा वाला ग्रो वाला क्या करता है, अपना डाटा निकालता रहता है बीच बीच में, और वो बताता रहता है कि सबसे ज़्यादा लॉस क्या करता है, लोग एसएल सही नहीं लगाता है, स्टॉप लॉस जो है वो सही नहीं लगाता है। ओके, तो ये हो गया। दूसरा जो गलती है ना, ट्रेड विथ ओवर कॉन्फिडेंस। भाई लोग क्या कर रहे हैं ना आजकल, ओवर कॉन्फिडेंस से ट्रेड कर रहे हैं कि भाई कोई बंदा बोल दिया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो पूरा कैपिटल लगा दो। भाई आप लोग उतना ही ट्रेड करो जितना आपका औकात है स्टॉप लॉस लेने का। ओके, मैंने फ्राइडे को ट्रेड किया था, मैंने अपने टेलीग्राम पे अपडेट भी दिया था कि फुल कॉन्फिडेंस है भाई मैं ट्रेड ले रहा हूँ, लेकिन भाई मैंने क्या किया, मैंने देखा ट्रेड तो मैंने ले लिया, मैं झूठ नहीं बोला, मैंने ट्रेड ले लिया, फुल फंड का यूज भी किया, लेकिन भाई मैं थोड़ी देर बाद मतलब 70% कैपिटल वहाँ से विड्रॉ कर लिया। क्यों किया भाई, क्योंकि मुझे पता था कि ये ट्रेड जो है ये ट्रेंड के अगेंस्ट है, मतलब कि ट्रेंड ग्रीन का है तो मैं रेड में ले रहा हूँ, और ट्रेंड रेड का है तो मैं ग्रीन में ट्रेड ले रहा हूँ, इसलिए मैं 70% जो वो है ना वो मैं निकाल दिया, और 30% जो था वो मैं थोड़ा बैलेंस करके, मुझे पता था कितना स्टॉप लॉस लेना है कितना क्या लेना है, तो मैं वो रुका रहा, तो इसलिए मेरा जो कैपिटल है वो जीरो नहीं हुआ है, और बहुत कम लॉस मैंने बुक किया है, शायद जितना भी लोग लॉस बुक किया है उससे बहुत कम लोग लॉस बुक किया है। ओके, तो आपको पता रहना चाहिए कि ओवर कॉन्फिडेंस आपका कहाँ हो रहा है। बहुत सारे लोग चार्ट देखते रहते हैं, एक दो बार वो गेस करते हैं कि भाई मार्केट ये कैंडल ऊपर जाएगा ये कैंडल नीचे जाएगा, और उसको घमंड हो जाता है, वो ट्रेड पूरा ले लेते हैं। भाई मैं 10 दिन से मार्केट देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से मार्केट काम कर रहा है, वो पूरे के पूरे कैपिटल डाल देता है। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके भाई, मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ तो प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाता हूँ, भाई भले वो लॉस दे दे, लगातार 2 लॉस स्टॉप लॉस हिट हो जाए, 3 स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टॉप लॉस जहाँ पे भी आता है मैं स्टॉप लॉस दे देता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस से मैंने आज तक ट्रेड नहीं किया है, इसलिए मेरा जो लॉस है वो बहुत कम होता है। ओके, और तीसरा जो है वो ट्रेड विदाउट रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बोल दिया कि आपको ये ट्रेड लेना है, मैंने बोल दिया, मान लो कि मैं बोल दिया कि भाई ये जो है ये मेरा मैंने आज बोला था कि मेरा एक स्ट्रेटजी है, मैं उस पर ट्रेड लेता हूँ, और वही स्ट्रेटजी आज मैं फर्स्ट बार शेयर किया था, मैंने बोल दिया कि 80% इसका एक्यूरेसी है,
बहुत सारे लोग क्या करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के साथ लेंगे। जिसका 10,000 कैपिटल है उसको तो भाई उसको एक लॉट लेना ही पड़ेगा, लेकिन जिसका 50,000 कैपिटल है वो एक लॉट या दो लॉट लेगा मुश्किल से, जिसका 1,00,000 कैपिटल है वो दो लॉट या तीन लॉट लेगा मुश्किल से। तो ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट कि भाई अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस, थोड़ा सा लॉस होगा मुझे। अगर मान लो कि आप क्या कर रहे हो कि पूरे के पूरे कैपिटल लगा रहे हो और स्टॉप लॉस पूरा हिट हो जाता है तो आपका कैपिटल तो बहुत कम बच जाएगा। तो भाई मेरा बहुत लोगों ने मैसेज किया, ट्विटर पे मैसेज किया, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि भाई क्या करें, मेरा जो 3,00,000 कैपिटल था 2,60,000 बचा, 2,70,000 बचा, मुझे पता ही नहीं है स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। तो ये बहुत गलत बात है यार, आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये सब आपको फॉलो करना चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना भाई, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये मैं लिख लिया हूँ ताकि मैं वीडियो बनाते बनाते फॉलो में कोई एक पॉइंट भूल ना जाऊँ या दूसरा पॉइंट ऐड कर दूँ और ये पॉइंट मैं भूल जाऊँ, इसलिए ये पॉइंट मैं लिख कर लाया हूँ। और आप देख रहे होंगे नोटबुक भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये पॉइंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और आप लोग, मैं दिल से बताऊँ भाई, तो आप लोग कितना भी वीडियो लाइक करें या लाइक करें, ऐसे तो आप लोग बिना वीडियो देखे ही लाइक मार देते हो, कमेंट कर देते हो, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये पॉइंट आप समझ लो कि ये जो पेड कोर्स में मैं पेड कोर्स तो बेचता ही नहीं हूँ, जो पेड कोर्स में दूसरे लोग देता होगा वो मैं आपको यहाँ पे फ्री में बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है। दोस्तों होता क्या है कि शुरुआती में जो लोग आते हैं, मान लो कि आपका 50,000 कैपिटल है, एक बंदा मुझे मैसेज किया, मैं एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक बंदा मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और बोला कि भाई मेरा 50,000 कैपिटल है और रोज़ का मुझे 10,000 रुपया कमाना है, 50,000 कैपिटल है रोज़ का मुझे 10,000 रुपया कमाना है। तो भाई मैंने बोला कि भाई ये 50,000 रुपया तू ले ले और 5,000 मुझे कमा के दे दे। भाई 50,000 कैपिटल है, 10,000 उसे रोज़ कमाना है। न्यू ट्रेडर क्या करते हैं ना, उसका गलती ही ये होता है कि उसका कैपिटल तो बहुत लो होता है या ज़्यादा भी किसी किसी का कैपिटल होता है, और वो शुरुआती से ही ज़्यादा रुपया कमाने का कोशिश करता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओके, आपको वही स्ट्रेटजी फॉलो करना है जिसमें स्टॉप लॉस छोटा हो। ओके, जिसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो। ओके, ताकि 2-4 बार 5 बार स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, अगर 70% भी एक्यूरेसी है तो आपका जो पैसा है वो एटलीस्ट जो कैपिटल है वो प्रॉफिट में रहेगा, लॉस में नहीं जाएगा। ओके, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका कैपिटल छोटा है, ज़्यादातर लोगों का कैपिटल छोटा ही होगा, तो भाई आप लोग क्या करो कि आप लोग थोड़ा सा पैसे कमाने का कोशिश करो, मतलब जिसमें छोटा सा स्टॉप लॉस, छोटा सा टारगेट है, बस मार्केट में आप शुरुआत में 1 साल 6 महीना टिकने का कोशिश करो, लगातार छोटा छोटा प्रॉफिट बनाने का कोशिश करो, अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने आप मार्केट में लर्निंग बढ़ेगा। ओके, तो आप लोग क्या करो कि मैं आज से मैंने जो ट्रेड देना स्टार्ट किया है भाई, उसमें जो स्टॉप लॉस है बहुत ही ज़्यादा छोटा है, और टारगेट 1:2 भी देता है, 1:3 भी देता है, और जो स्टॉप लॉस है वो लिमिट में है, बहुत ही छोटा है, इसलिए मैं वो ट्रेड देना स्टार्ट किया हूँ। क्योंकि मैं जानता आज मैं जो लॉस देखा हूँ ना, लोगों का लॉस देखा हूँ, उससे मैं इमोशनल हो गया, मैं सोच रहा हूँ कि अब सब लोग प्रॉफिट में रहे। ओके, तो आप लोग हमेशा ट्रेड क्या करो कि ऐसे लगा के, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करो, किसी पे भी फुल विश्वास मत करो कि भाई कोई फुल कॉन्फिडेंस में है तो पूरा पैसे लगा देते हैं, ऐसा मत करो। हमेशा अपना पोजीशन साइजिंग फॉलो करो, 1,00,000 पे 2 लॉट लेना है तो 2 ही लॉट लेना है, 50,000 पे 1 लॉट लेना है तो 1 ही लॉट लेना है। ओके, और जिसका 10-20,000 कैपिटल है तो उसका तो मजबूरी है कि पूरा कैपिटल लगाना, क्योंकि 1 लॉट 10-20,000 का आ ही जाता है। हमेशा रिस्क मैनेजमेंट करना है, हमेशा लिख लेना है, ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या है। ट्रेड लेने के बाद पता चलता है तो आप बेवकूफ़ है, आपको ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। ओके, और सबसे बड़ी बात कि आप लोग बड़े प्रॉफिट के चक्कर में क्या करते हो कि लॉस कर देते हो, तो बड़े प्रॉफिट के चक्कर में शुरुआती में 6 महीना 1 साल आपको क्या करना है कि आपको उसके पीछे नहीं दौड़ना है, छोटा छोटा प्रॉफिट करो, 500-1,000 भी हो जाता है, 10,000 लगा के 500-1,000 भी हो जाता है ना तो बहुत है, 50,000 लगा के 2,000 भी रोज का हो रहा है ना, 1,500 भी रोज का हो रहा है ना, 1,500 भी मैं मानता हूँ, मैं तो 1,000 रुपया भी 50,000 लगा के रोज का हो रहा है तो भाई महीने का हो गया 20-25,000-30,000 रुपया हो गया। तो भाई मैं आपको बता दूं कि 20,000 भी 50,000 रुपया लगा के आप कर रहे हो तो भाई इतना तो प्राइवेट जॉब में 12,000-15,000 पे लोग काम कर रहे हैं 8-8, 10-10 घंटा, लेकिन आप 50,000 लगा के 20,000 महीने के कमा रहे हो तो बहुत है। ज़्यादा लोभ मत करो, आपका ड्रीम पूरा होगा, ट्रेडिंग ऐसा चीज़ है कि ड्रीम पूरा होता है। तो आप लोग क्या करो कि ये जो भी पॉइंट बताया हूँ उसको दिमाग में लगाओ, और एक बात इंपॉर्टेंट है कि भाई आप लोग क्या कर सकते हो कि ट्रेड लेने से पहले आपका पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस और आपका टारगेट क्या है।
अगर नहीं पता है तो प्लीज़ आप लोग क्या करो कि ट्रेड मत लो, ओके। यही मैं बताना चाहता हूँ। और जो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मेरे नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल भी ओपन हो गया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो के लिंक से ही डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैं जो पिन करता हूँ उससे ही ज्वाइन करना, जो भी अकाउंट ज्वाइन करना है, वरना आप मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर के साथ भी फ्रॉड कर रहे हैं, ओके। तो आई होप ये सब आप सुने होंगे, आपको ये सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में हेल्प करेगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।